नमस्ते सभी को। हम लोग हिंदी में सत्र शुरू करते हैं। अभी हम अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने स्टेप वन पे अपने भाव प्रति सजग होने का अभ्यास किया और क्रमशः अब हम स्टेप सेवन पर आ गए हैं। कल जो हम लोग बात कर रहे थे तो अपने में सही भाव को सुनिश्चित करना है, इस निर्णय पे हम ध्यान दे रहे थे। और सही भाव सुनिश्चित करने का अर्थ ये हुआ कि मेरे अंदर संबंध का भाव सुनिश्चित हो, व्यवस्था का भाव सुनिश्चित हो, शास्त्रित्व का भाव सुनिश्चित हो। तो अगर संक्षेप में अभी तक जो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप गति की उसको अगर देखें तो स्टेप वन पे हमने अपनी कल्पनाशीलता के प्रति और उसमें मूल रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने ये जांचा कि मेरा भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। तो स्टेप वन में हमने कोई मूल्यांकन नहीं किया, न रोकने बदलने का कोई प्रयास किया, न कोई प्रतिक्रिया की। स्टेप टू में मूल्यांकन किया और देखा कि भाव सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री में ये देखा कि उसके साथ मेरी स्थिति सुखद है कि नहीं, सुखद है या दुखद है। स्टेप फोर में फिर ये देखा कि जो भी मेरे अंदर भाव है उसका निर्णय कौन ले रहा है, मैं स्वयं या बाहर की कोई परिस्थिति या कोई अन्य व्यक्ति। तो थोड़ी जांच करने से दिख जाता है कि मैं स्वयं ही निर्णय लेता हूं। तो फिर उससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। एक तो ये कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। यदि मैं अपने आप में आराम में नहीं हूं, मेरा भाव सहज रूप से स्वीकार नहीं है, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूं। दूसरी बात, इसके साथ मैं दूसरों के प्रति शिकायत मुक्त हुआ कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, अगले का व्यवहार जैसा भी हो, यदि उससे मेरा भाव बिगड़ा तो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं जो दुखी हुआ अपने भाव बिगड़ने से हुआ, किसी के शब्दों से नहीं, बाहर की परिस्थिति से नहीं। स्टेप फाइव में फिर हमने देखा कि जो भी मैं भाव का निर्णय ले रहा हूं उसका आधार क्या है, समझ है या मान्यता है। तो दिखता है कि यदि समझ आधार में होता है तो मेरे सुख की निश्चितता होती है, निरंतरता होती है। परंतु यदि कोई मान्यता आधार में होती है तो मान्यता सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो उसमें सुख की कोई निश्चितता नहीं होती, निरंतरता भी नहीं होती, स्वयं में आश्वस्ति का भाव नहीं होता। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि समझने की जरूरत है। तो अपने ऊपर काम करने का मतलब कुल मिला के इतना हुआ, इस समझना है, न कि कोई चाहिए नहीं चाहिए, करो ना करो, है ना, ऐसा कोई अपने को निर्देश देना है और अपने को कंडीशनिंग करनी है, ऐसा नहीं। कई बार जब हम ये जिम्मेदारी स्वीकार भी लेते हैं कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं, तो हम निर्णय ले लेते हैं, ठीक है भाई, इस व्यक्ति से आगे बात ही नहीं करनी, इस परिस्थिति में मुझे ऐसा करना ही नहीं है, ठीक। बट इसे कोई हमारी समझ नहीं बनी, हमने कुछ निर्णय और ले लिए, वो निर्णय और भी दुखदायी हो सकते हैं आगे। प्रतिक्रिया में निर्णय ले लिया, एक नई मान्यता बना ली। कई बार ये भी होता है कि किसी परिस्थिति में अगर हम दुखी हुए, परेशान हुए, ठगे गए, तो हम फिर कोई मान्यता बना लेते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमें निर्वाह ही नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ठीक, इनके साथ कोई संबंध ही नहीं रखना है, इनकी बात को सुनना ही नहीं है, एंड सो ऑन। ये सब नई मान्यताएं हो गई, इन मान्यताओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो समझना है, न कि कोई नई मान्यताएं बनानी है। अगर आप विचार में देखेंगे अपने, तो बहुत सारे ऐसे थंब रूल्स हम बनाते हुए चलते हैं, ये थंब रूल्स बना लेते हैं, ये एक धीरे धीरे नई मान्यता का रूप ले लेता है और हमारे भाव के सजग होने में बाधक हो जाता है। तो हमें कोई नई मान्यता नहीं बनानी, बल्कि समझना है। स्टेप सिक्स में हमने फिर देखा क्या समझना है, ये समझने का अर्थ क्या है। तो उसको तय करने के लिए हमने अपने आप से पूछा कि हमें कौन सा भाव सहज से स्वीकार होता है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, सहस्तित्व का या संघर्ष का। तो दिखता है कि संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व, यही भाव स्वीकार होते हैं, न कि अन्यथा। तो फिर इससे निष्कर्ष निकलता है कि मुझे संबंध का चिंतन करना है, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित करना है, सहस्तित्व का अनुभव करना है, ये अपने आप में हम निर्णय ले पाते हैं। अब जब स्टेप सेवन में जाते हैं तो इस बात को हम सुनिश्चित करते हैं कि मेरे अंदर हर क्षण अब संबंध का भाव हो,
व्यवस्था का भाव हो, सहस्तित्व का भाव हो। तो यदि ऐसा नहीं है तो मैं फिर स्टेप वन पे जाता हूँ और वहां से शुरू करता हूँ, फिर स्टेप सेवन ए तक आता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर आता हूँ अपने आप से प्रश्न करते हुए। मूलतः देखें तो यदि मेरा भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार नहीं है तो उसके स्थान पर जो सहज रूप से स्वीकार है भाव, उसको सुनिश्चित करता हूँ। यही कुल करने का काम है, यही परिमार्जन है, इसी से मेरा विकास है, यही ब्लॉक बी वन में क्रियाओं को जागृत करने का अभ्यास है। तो कल इसी क्रम में हमने एक असाइनमेंट लिया था अपने अभ्यास के लिए कि मुझे अपने आप से ये बात पूछनी है कि जिस व्यक्ति के बारे में विचार कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति के साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, मुझे अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इसे सुखी करना चाहता हूँ या दुखी करना चाहता हूँ। ये अगर हम अभ्यास कर पाए हो तो आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और उससे कुछ अगर निष्कर्ष निकला हो तो ये भी बता सकते हैं। अभी हम लोग जो ये छोटे छोटे असाइनमेंट्स ले रहे हैं, इससे ये होगा कि ये जो सेवन स्टेप्स हैं उसके भी जो इंटरमीडियरी स्टेप्स हैं, तो संबंध कह देने से तो संबंध का भाव सुनिश्चित नहीं होता, व्यवस्था कह देने से व्यवस्था का भाव सुनिश्चित नहीं होता, उसके लिए करना क्या होगा, इसके हम इंटरमीडियरी स्टेप्स, बीच के जो स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उसको हम सॉर्ट आउट कर पाते हैं, उसको वर्कआउट कर पाते हैं। तो अगर हम अपने आप से पूछ पाए हो किसी परिस्थिति में और उससे कुछ निष्कर्ष निकले हो या उससे कोई नया प्रश्न बना हो, कोई उलझन हो, तो आप रख सकते हैं। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, जैसे हम बात हुई थी वैसे मैं हर एक रिलेशनशिप को याद करके ऐसा पूछ पा रही थी कि मुझे क्या करना है, सुखी करना है कि दुखी करना है। उस पूछने तक, आंसर मिलने तक ठीक था, लेकिन उसके इमीडिएट बाद मुझे ये ध्यान आया कि मुझे अपने आप को भी सुखी करना है, लेकिन उनके साथ मेरा प्रोग्राम ठीक नहीं बैठ रहा है, और फिर 3-4 मिनट तक उसी डायरेक्शन में चलता था एक रिलेशनशिप का। फिर वापस मैं ध्यान दिलाना चाहती थी कि सुखी करना है, तो वो करना है तक ठीक था, लेकिन आगे प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, अनकंफर्टेबल हुआ, तो अभी उसमें कहाँ ध्यान देना है। जी, थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो सुखी करना है उसके और मूल में कि सुखी करना चाहती हूँ कि नहीं। तो जब हम सीधे कार्यक्रम पे जाते हैं कि सुखी करना है, तो कई बार मुझे अपना सुख और दूसरे का सुख विरोधाभासी लगता है, या लगता है कि यदि अगले को सुखी करने गए तो मैं दुखी हो जाऊंगी, और अपने को सुखी करने गए तो अगला व्यक्ति दुखी हो जाएगा। तो वहां पे मतलब ये चाहने पे भी, प्रश्न करने पे कई बार उलझन हो सकती है ना, ऐसा लग सकता है, बट जब करने पे जाएंगे तो ज्यादा अस्पष्ट रहेगा। तो पहले तो चाहने को देखें, तो आप पाएंगे, इनफैक्ट काफी जेन्युइन शेयरिंग है ये, आप पाएंगे कि जब हम इस तरह के प्रश्न अपने आप से करते हैं कि मैं अगले को सुखी करना चाहता हूँ या नहीं, तो जो भी हमें उत्तर मिलता है उसके साथ हमें अपने ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता है कि मैं अपने आप को भी तो सुखी करना चाहता हूँ, तो या तो मैं सुखी होऊंगा या दूसरा व्यक्ति सुखी होगा, एक तरह की उलझन ये हो सकती है। या ये भी उलझन हो सकती है कि सुख है क्या, क्या दूसरे की इच्छा को पूरा कर देना सुख है, क्या मेरी इच्छा को पूरा कर देना सुख है, ये सुख है क्या, ये होता क्या है। तो ऐसे उलझन भी, ऐसे प्रश्न अपने अंदर बनेंगे, है ना। और भी आप बारीकी से देखेंगे तो ये भी प्रश्न बनेगा कि मैं हूं क्या, ये दूसरा है क्या, ये मैं क्या हूं, ये दूसरा क्या है, इसका सुखी होना क्या है, मेरा सुखी होना क्या है। फिर ये भी प्रश्न बनेगा कि इन प्रश्नों को अगर आप बार बार अपने आप से करेंगे तो आपको लगेगा क्या ऐसा हो सकता है कि सभी सुखी हो पाए, या एक का सुख दूसरे के सुख में बाधक रहेगा ही। ऐसे बहुत सारे आपके अंदर प्रश्न बनेंगे, बट इतना निश्चित है जो आपने कहा कि जितनी देर तक हमें ये स्पष्ट रहता है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ या सुखी करना है मुझे, उतनी देर तक तो दूसरे को दुखी करने का कोई विचार नहीं चलेगा, ये तो निश्चित है।
जी भैया, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आ गए फिर मैं, और उनको कुछ देख नहीं पाई, तो अभी क्या प्रश्न आ रहे हैं वो मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। हाँ बिल्कुल लिखिए, और उसमें फिर ये होगा कि ये जितनी बातें हम लोगों ने की ना, अब हम उसके अर्थ में जाने लगते हैं। इस सुख को हमने डिफाइन कर दिया। कई बार आप देखते हैं कि सुख के डेफिनेशन को हम वर्कशॉप में भी बोलते हैं तो अपनी मेमोरी से बोलते हैं कि व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना सुख है। ठीक, ये तो शब्द है, परिभाषा है, इसको हम याद करके बोलते हैं, बट उस क्षण में मुझे सुख क्या दिख रहा है इससे तय होता है कि मैंने सुख को समझा भी है कि नहीं। अगर नहीं समझा है तो मेरा सुख और दूसरे का सुख आपस में विरोधाभासी लगेंगे। तो ये प्रश्न को लिख लें, इसको और गहनता से देखें। तो इनफैक्ट जब जीने का जो मुद्दा है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब जीने में हम ऐसे प्रश्न करते हैं, यहाँ पे जाके जांचते हैं, तो हमें शब्द का अर्थ स्पष्ट होना शुरू होता है। इनफैक्ट ये चाहना भी क्या होती है, चाहना और इच्छा एक ही चीज, अलग अलग चीज है। सहज स्वीकृति कुछ होती भी है या नहीं होती अपने बारे में, तो हम कभी कभी तय भी कर लेते हैं, बट ऐसी परिस्थितियों में सहज स्वीकृति भी ठीक से पता नहीं लगती कि दूसरे को सुखी करना चाहते भी हैं या नहीं, है ना। अगर चाहते हैं तो फिर क्या करें, सुखी होना होता क्या है, करना होता क्या है ना। इच्छा और चाहना, इच्छा और सहज स्वीकृति, ये सब एक ही बात है, अलग अलग बात है। या कई बार आपको लगेगा कि इतना सब करने की क्या जरूरत है ना, काम चलाओ और आगे बढ़ो। ठीक, तो बहुत सारे के विचार आएंगे, और इसलिए हमारे चिंतन की क्रिया बाधित रहती है, जागृत नहीं हो पाती, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर हमें आपस है नहीं, तो हम इच्छा के स्तर पर उलझे हुए रहते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग अभी 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, है ना, कि मुझे अपने अंदर संबंध का भाव सुनिश्चित करना है। इस क्रम में मुझे अपने आप में देखना है स्पष्ट रूप से, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ या नहीं, या चाहती हूँ या नहीं। ठीक है ना, इसको 10 मिनट ऑब्जर्व करें। किसी व्यक्ति के बारे में विचार चल रहा हो उसके बारे में ऑब्जर्व करें, 10 मिनट बाद प्रश्नों को लेंगे। बढ़िया, ये हम लोग ऑब्जर्व करते रहे अपने आप में कि जिस व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, इसी व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसमें दूसरे को सुखी करना चाहता हूं कि नहीं। इस अभ्यास को हम बार बार करें अपने अंदर, तो हमको अपनी चाहना स्पष्ट होगी, और ये निश्चित है कि जब तक ये चाहना स्पष्ट नहीं होगी, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है कि नहीं वो तो स्पष्ट नहीं होगा। तो पहले इसको तो स्पष्ट करें अपने आप में, तो हमको अपनी सहज स्वीकृति यानी चाहना भी ठीक से स्पष्ट होगी। चाहना और इच्छा यानी सहज स्वीकृति और इच्छा, इसके बीच का अंतर भी स्पष्ट होगा। समझ और मान्यता, इसके बीच का अंतर भी स्पष्ट होगा। चाहना और मान्यता, इसके बीच का अंतर भी स्पष्ट होगा। यहाँ कुछ मैसेज है, दूसरे को आश्वस्त करना, सुखी करना है क्या? ठीक, हाँ वही, दूसरे को आश्वस्त करना भी क्या है कि दूसरे की मान्यता में सहमति दे देना, दूसरे की इच्छाओं को पूरा करना, दूसरे के अनुसार जीना, यही है या कुछ और है, इसको तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ, हारमोनी को सेंटर में रखें, ये बात तो ठीक है। फिर हारमोनी को देखना बनता है, हारमोनी को समझना बनता है। हारमोनी ऑब्जेक्ट है या आउटकम है? हारमोनी है, हारमनी है, पहले से ही है। ठीक, और उसको बस देखना है। जो आउटकम है वो म्यूचुअल हैप्पीनेस है। तो प्रकृति में पहले से हारमनी बनी हुई है, अस्तित्व में पहले से हारमनी बनी हुई है, मानव मानव संबंध में पहले से ही हारमनी की स्वीकृति बनी हुई है, सहज स्वीकृति, उसको देखना है। आउटकम अगर हम देखें तो म्यूचुअल हैप्पीनेस है, और वो भी हारमनी है, म्यूचुअल हैप्पीनेस वगैरह देखें तो हारमोनी थी, हारमोनी है, हारमोनी रहेगी प्रकृति में। मानव का रोल बस इतना है कि उसको देख ले, ध्यान दे दे उसके ऊपर, यही कुल करने का काम है। तो
स्टेप 6A में हमने देखा था कि हमें संबंध, संगीत अथवा व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही सहज स्वीकार होता है। इसलिए स्टेप 7A में यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मुझमें इस क्षण संबंध का भाव है न कि विरोध का, संगीत अर्थात व्यवस्था का भाव है न कि अंतर विरोध अव्यवस्था का, सहस्तित्व का भाव है न कि संघर्ष का। तो इसको क्षण क्षण में सुनिश्चित करना शुरू करें। जब भी कभी अपने आप में देख पा रहे हैं तो देखें कि मेरे अंदर भाव अभी है कि नहीं। अगर नहीं है तो स्टेप 1 से शुरू करेंगे, स्टेप 7 तक जाएंगे। तो अपने आप में सुनिश्चित करना है, तो कुछ क्षणों में हो सकता सुनिश्चित कर पाए, उससे आगे बढ़कर फिर हर क्षण सुनिश्चित करना है। तो मैं इन क्षणों में सुनिश्चित कर पाता हूँ, संगीत में रहता हूँ। अब यदि मैं हर क्षण इन भावों को सुनिश्चित कर पाता हूँ तो हर क्षण मैं सुखी रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, व्यवस्था में रहता हूँ, आराम में रहता हूँ। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया कल की एक्सरसाइज हम दिन भर थोड़ा ऑब्जर्व करें काफी टाइम, तो शुरुआत में तो ऐसे आ रहा था जैसे अपनी एक प्रैक्टिस बनी रहती है क्यों क्यों क्वेश्चन पूछ रहे तो उसका आंसर तो इतना नहीं आ रहा था। फिर एक लाभ की दृष्टि तो हाँ प्रैक्टिकली सोचेंगे क्या चाहती हूँ, मतलब मुझसे यहाँ पे क्या लाभ हो सकता है, वो एक बना रहा। बट बाद में ना भैया हम थोड़ा ऑब्जर्व करें फैमिली में आके या मेरे कॉलेज के जो संबंधी थे उनके साथ जो निर्वाह हो रहा था वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मेरे संबंध या मेरे भाव सही से बने रहते हैं और तो एक कंफर्टेबल फीलिंग, मतलब हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और ऐसे मुझे लगा कि शायद इसी तरह से मैं इनको सुखी करना चाहती हूँ, मतलब ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन में मुझे थोड़ा फील हुआ, पता नहीं कितना हम सही कर पाए या कुछ ऐसे। बट जब क्वेश्चन तो पूछ रहे थे तो आंसर तो नहीं आ रहा था, शायद ये भी हो सकता है ये प्रपोजल तो पहले ही हम अभी मिल रहा है, पहले कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में, तो क्लैरिटी खुद में भी इतनी बनी नहीं है और वो एक नजरिया बना नहीं है, इस वजह से नहीं मिल पा रहा होगा क्वेश्चन, ऐसे कुछ हुआ भैया? जी इसको करें, अभी ध्यान देना पे शुरू किया है, ये काफी मौलिक मुद्दा है। क्योंकि जब तक मुझे अपनी चाहना स्पष्ट नहीं है दूसरे के प्रति, ये बेसिकली मैं सुखी करना चाहती हूँ या दूसरे को दुखी करना चाहती हूँ, तब तक दूसरे की चाहना भी कहाँ स्पष्ट हो पाएगी। तो इसको हम अभी अभ्यास को करें और इसको अभ्यास में ले आए, है ना, अपने आप से पूछ के इस पे समाधानित होने का, इसको देख पाने का। तो जैसे हम लोग अपने आप में देखते रहे कि हाँ मैं अपने भाव के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, वैसे ही हो सकता है किसी क्षण में ये आपको स्पष्ट हो जाए हर एक संबंध के लिए, परंतु उसमें हड़बड़ी ना करें, माने नहीं, इसको ओपन रखें। इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, काफी समय भी लग सकता है कि एसेंशियली मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ, ये बात हमें सहज रूप से दिखाई दे, ना किसके लिए विचार करना पड़े, ना कि अलग से इस पर ध्यान देना पड़े। तो अभी आपने जैसे कल शुरू किया, इसको आप और आगे लेके चले तो इस पर काफी गति बनेगी। बट ये था कि दिन भर हम काफी मतलब सोच रहे थे या अपने आप में ही थे ना, तो एक ज्यादातर अपना रहता है कि बाहर हम उलझे हुए रहते या बाहर की तरफ ही हमारा देखने का जो एक बना हुआ था, बट कल हम अपने आप में थे अपने ऑब्जर्वेशन में या एक्सप्लोरेशन में। बट उसके बाद में ना एक बहुत अच्छी फीलिंग मतलब हमें महसूस हुई कि अच्छा फील कर रहे थे हम, क्योंकि बाहर जितना रहते तो वो एक भगदड़ वगैरह पूरा बंद हो गई थी, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग हमें महसूस हुई और लग रहा था कि हाँ इसी फीलिंग्स में ऐसे ही रहना मतलब अच्छा लग रहा था, ये देख पाए भैया। जी बढ़िया दीदी, इसको कंटिन्यू करें और ये काफी उपयोगी सिद्ध होगा। चैट बॉक्स में नवीन जी का कुछ प्रश्न है। Why should we make others happy? ये अपने आप से पूछिए कि हम दूसरे को सुखी करना चाहते हैं कि नहीं, चाहते हैं तो करेंगे, नहीं चाहते नहीं करेंगे, इसको ओपन रखें। ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि हमें दूसरे को सुखी करना है, तो अगर चाहते हैं तो करेंगे, अगर यही चाहते हैं तो यही करेंगे, है ना, यह भी चाहते हैं तो कुछ और भी करेंगे, नहीं चाहते नहीं करेंगे, तीनों चॉइस अपने पास।
तो ये हम देख ले मेरा स्वभाव क्या है, मेरी चाहना क्या है। ये बात तो ठीक है, ये बात स्पष्ट होगी तभी जाकर दूसरा चाहता है कि नहीं, ये स्पष्ट हो पाएगा। तो इसको अपने में इस क्षण में सुनिश्चित करना है और अब धीरे धीरे हर क्षण सुनिश्चित करना है, ये करने का काम है। तो 7A में हमने इस बात का निर्णय लिया कि मुझे हर क्षण अपने अंदर संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, सहस्तित्व का भाव सुनिश्चित करना है। तो जब मैं स्टेप 6B में संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व को समझ पाता हूँ तो स्टेप 7B में मैं सही भाव यानी संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ। मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। मैं यह भी देख पाता हूँ कि जब मैं संबंध, संगीत और सहस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ तब मैं अपनी सही समझ के आधार पर सही भाव का निर्णय ले पाता हूँ। इस क्षण, अगले क्षण, हर क्षण मैं निरंतर सुखी रहता हूँ। तो मुझे अपने विकास के लिए संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व की समझ एवं संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व का भाव विचार स्वयं सुनिश्चित करना है। ऐसा करके ही मैं स्वयं सुखी रह पाता हूँ, दूसरे के सुख का स्रोत भी बन पाता हूँ। तो 7A में हम भाव को सुनिश्चित कर रहे हैं, 7B में हम इस बात को देख रहे हैं कि मेरा हर निर्णय अब इसी अर्थ में। तो भाव इच्छा के स्तर पर हम सुनिश्चित कर रहे हैं, निर्णय को हम आशा के स्तर पर सुनिश्चित कर रहे हैं, बीच में विश्लेषण है, विचार है। और जो मेरा निर्णय होगा वही मेरे व्यवहार में जाएगा, वही कार्य में जाएगा, वही भागीदारी में जाएगा। तो मेरे अंदर इसकी समझ सुनिश्चित हो, इसका भाव विचार सुनिश्चित हो, है ना, इसी के पक्ष में हर क्षण मैं निर्णय ले पाऊं, इसकी निरंतरता हो जाए। तो मूल बात तो इतनी है कि हमारे अंदर इस भाव की निरंतरता हो जाए, परंतु ये दिख ही रहा है कि इस एक भाव को पहचानने में भी कितने सारे स्टेप्स चलने बाकी हैं, है ना। ये संबंध का भाव हम कह देते हैं, परंतु उसमें इस बात को देख पाने में भी कि मैं दूसरे को सुखी ही करना चाहता हूँ, काफी सारा काम बचा हुआ है। तो ये इसलिए इन इंटरमीडिएट या छोटे छोटे स्टेप्स पे काम करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत दिनों तक जब एक ही बात दोहराते रहते हैं और हमको दिखने में आता नहीं है, जीने में आता नहीं है, तो हमको लगता है सिर्फ बातें ही हैं, है ना, अच्छी बातें हैं, जी नहीं सकते। तो ये निष्कर्ष तो बहुत ही घातक है। कई बार हम ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे हैं परंपरा में भी कि बातें तो सब अच्छी हैं परंतु परिवार में, समाज में रहते हुए हम इसको जी नहीं सकते, इसको पूरा नहीं कर सकते, या तभी पूरा कर सकते हैं जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे ये सब बातें सतयुग के लिए है, है ना, ये तो कलयुग आ गया है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये सब ऐसे ही है, मानो ऐसा ही है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि जो बीच के गैप्स हैं उस पर हम ध्यान दें, है ना। तो सुनने में तो तीन शब्द हैं, संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व, परंतु सहस्तित्व के अनुभव तक पहुंचने में तो काफी समय लग सकता है, पूरी शरीर यात्रा भी लग सकती है, कहीं वो भी कम पड़ जाए कि नहीं। तो संबंध को तो कम से कम देखें, कम से कम ये तो देखें कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। इतना भी अगर हम देख पाएंगे तो मेरे आचरण में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, मेरे व्यवहार में, मेरे विचार करने के ढंग में, मेरे रहने सहने में, मेरे सोशल कनेक्शंस में, मेरे मित्र मंडली में, मैं अपने समय कैसे सदुपयोग करता हूँ, उसमें बहुत सारे अपने अंदर परिमार्जन दिखाई देगा। तो इसको अपने आप में सुनिश्चित करना है, ये देखना है कि मेरा हर निर्णय इसी आधार पर हो। तो इस काम को हम फिर से करें आज, इस संबंध के भाव में जो एक प्रश्न हमने लिया कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, इस पे आज और अभ्यास करें और ठीक से ध्यान से देखें, है ना। एक दिन में तो ये प्रश्न का उत्तर हो सकता स्पष्ट ना हो, इसमें वर्ष भी लग सकते हैं। तो यहाँ से देखना शुरू करें, और यदि ये दिख जाता है कि हाँ सुखी करना चाहता हूँ तो इसके पक्ष में निर्णय लेंगे, है ना। देखें कि मैं सुखी कैसे होता हूँ, तो मैं अपने संवेदनाओं से या मान्यताओं से तो क्षणिक रूप से सुखी होता हूँ, समझ और संबंध के भाव से ही निरंतरता में सुखी होता हूँ। तो अगले व्यक्ति के लिए भी वैसे ही निर्णय लेंगे, जैसे समझ विकसित हो, संबंध का भाव विकसित हो। परंतु अभी हम ऐसा लेते भी हैं तो अभी जो
भाव हमारा होता है विरोध का होता है और अगले को हम समझाने चले जाते हैं, अगला समझता नहीं है। तो इस बात पर स्पष्टता बनी रहे कि हर क्षण में जो निर्णय ले रहा हूं मैं दूसरे के सुख के अर्थ में ही है, बोल रहा हूं तो भी, नहीं बोल रहा हूं तो भी, ध्यान दिला रहा हूं तो भी, नहीं ध्यान दिला रहा हूं तो भी। तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक एक संबंध पे ऐसा काम करते हुए हर एक संबंध में एक ऐसा भाव बन जाता है कि मुझे जो भी निर्णय लेना है लाइफ में हर एक के सुख के अर्थ में लेना है। और सुख का अर्थ भी क्या हुआ ये हम इसको समझ पाते हैं धीरे धीरे, शनै शनै क्रमशः। तो आपके अंदर प्रेम का भाव, करुणा का भाव जागृत होने लगता है। परंतु अभी एक संबंध से शुरू करें, ठीक, जो संबंध आपको सबसे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है परिवार में वहीं से शुरू करें, ऑर्गेनाइजेशन में जो संबंध सबसे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है वहीं से शुरू करें, देखें मैं इसको सुखी करना चाहता हूं कि नहीं। जुड़ने की आपसे जाके बोले ही, कहें ही, बात ही करें, तब से अपने आप में तो देखें, जब भी उस व्यक्ति को लेकर विचार आए आप देखें अपने आप में कि आपसे सुखी करना चाहते हैं कि नहीं। जब भी कोई विचार है इसको अभ्यास बना ले अपने आप से पूछने का, इम्पोज नहीं करना है कि सुखी करना है, अपने आप से पूछने का। इस पे है ना आज फिर ध्यान देते हैं, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ या नहीं, इस बात को अपने आप में ऑब्जर्व करना है दिन भर, और यदि चाहता हूँ तो उसका अर्थ में निर्णय लेंगे, तो इसको ऑब्जर्व करें। आज के लिए यही असाइनमेंट रहेगा। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते, कल फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे।